मुतासिर वैसे छो एफआईआर नहीं काटता, तुम्हारे बाप का इलाका ही है, तुम हमारे टैक्सों से बेटा तनख्वाह लेते हो, यहां पर लूट का माल समझा है तुमने कराची को, एफआईआर नहीं काट रहे, ना सिर्फ एफआईआर नहीं काटी बल्कि पीछे और गुंडागर्दी की इजाजत दी और वहां पर फायरिंग करवा दी। एक बच्चा कोमा का शिकार है, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, मुझे बता रहे हैं कि शायद वेंटिलेटर हटा दिया है और लोग जख्मी हुए, ये किसका काम है देखना? यानी आप डॉक्टर आसिम हो या सईद गनी हो या वकार मेदी हो या मसरूर हसन हो, ये तो जाके अपने घरों में सो जाएंगे, नाजमाबाद में और न्यू कराची में इन्होंने आके फटकना नहीं है, इन्हें किसी ने फटकने नहीं देना है वहां पर, और ये भेंट चढ़ा रहे हैं अपने सियासी अजायम की मासूम लोगों को। हमने मुतालबा किया है सारे असले के लाइसेंस कैंसिल करो, तो इलेक्शन तक असला लेके चलने पे पाबंदी लगाएं। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि जो असले की बुनियाद के ऊपर समझ रहे हैं कि फतेह कर लेंगे, आप दिलों को फतेह नहीं कर सकते, आप लोगों के जहनों को फतेह नहीं कर सकते, चंद सड़कें बना के तुम क्या समझते हो यहां पर, अगर बनाया भी लोगे कभी तो बनाने वाले होते तो नवाबशाह लड़काना भी बना लेते सड़कें, तुमने तो सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया है, सिंध सेक्रेटेरिएट को तुमने ऐसे चोस की सीटें बेच बेच के ऐसे नलायक लोग भर्ती किए हैं जो इस जदोकोप करने के वाकये की एक पीएचडी डॉक्टर जाकर बैठा हुआ है, एफआईआर नहीं काटते और जवाब में क्या होता है, ये जवाब दे आई जी, ये लाशें किसके खाते में जाएंगी, जवाब दे कराची का पुलिस चीफ, किस काम के लिए भाई आप लोग? और ये मौसी साहब के हजरात, ये साजिश हमें पहले से पता है कि कहां से हो रही है, हमें पता है कि डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहां से मिलते हैं, सोशल वर्क के नाम के ऊपर। डॉक्टर आसिम से पूछो आप क्या कर रहे हैं, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूं, सोशल वर्क में असला चलाते हैं, सोशल वर्क में लोगों को गोलियां मरवाते हैं, हमने कहा एफआईआर काटे डॉक्टर आसिम की क्योंकि उनके ही वहां पर हुआ है मर्डर, वो फिर वापस आ गए यहां पर और फिर यहां पर एक और बच्चे की कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाएगी, कौन जवाब देगा? ये हो गया डॉक्टर आसिम आपका सोशल वर्क, हो गया ये पीपल्स पार्टी का काम। जरा मैं आपके सामने एक ऑडियो चलाना चाहता हूं कि इनका धंधा क्या है, जो हम कह रहे हैं ना कि ये पैसे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा है, इनकी डीलिंग हो गई है कोई लंदन से, अभी सुनेंगे कह क्या रहे हैं आपस में लंदन की रिकॉर्डिंग है। हमने फॉर्म तो पूरे पाकिस्तान से जमा कराए लेकिन हमारा खेल जो है ना वो 8 से 10 सीटों पर है जो हमारी पक्की सीट है और उसमें पीपल्स पार्टी भी हमें ताबुन कर रही है खामोशी से। ये जो हमारे फॉर्म वगैरह सबमिट किए गए अभी तक जो हमें तंग नहीं किया जा रहा, इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा ताबुन है क्योंकि बैरोक्रेसी जो है वो कराची में पीपल्स पार्टी की है, इस टाइम पे पुलिस भी तमाम इदारे चीफ मिनिस्टर सब चीजें जो है मेयर वगैरह सब इनका है, तो कुछ अंदरून खाना डील हुई भी है क्योंकि आज से 4 महीने पहले इशरत अली बात दुबई में बैठा हुआ है, डॉक्टर आसिम जो भी यहाँ पे वो बना है क्या नाम है जिसने भाई का इंटरव्यू भी लिया था उसका क्या नाम था पंजाब वजाब के साथ एक औरत आना एक खातून थी और एक बंदा और था जो यहाँ मिनिस्ट्री में आया है क्या ना पंजाब में कोई निगरा गवर्नमेंट ने उसको कुछ बनाया है कहा कि ये बड़ा ना मुर्तुजा सुलंगी शरद निबार बाबर गौरी और ये डॉक्टर आसिम ये भाई से मुलाकात करने गए थे इशरत निबार वाला बेटा तो पड़ रहा था आज से 2-3 महीने पहले कराची में तो वो उस पर काम बना नहीं मतलब नहीं हो सकता वो प्रोसेस तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ मूव हो रहा है वो वाला सेटअप साथ को भी दे रहा है हमारा तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी काफी साथ दिया है हमारा अगर इनडायरेक्टली देखा जाए ये जो हमारे कैंडिडेट वगैरह को छेड़ा नहीं जा रहा पुलिस तंग नहीं कर रही तो ये पीपल्स पार्टी के कहने पर तंग नहीं कर रही है और हमारा उसमें तय ये मुस्तफा कमाल ऐसे थोड़ी बोल रहा है भाई ने पैसे ले लिए भाई ने पैसे नहीं लिए हैं भाई ने बोल दिया है कि तुम खेल लो हमें इनको जीवो करना पीपल्स पार्टी को बोल दिया तुम खेल लो तो पीपल्स पार्टी की कराची में 2 सीटें थी पीपल्स पार्टी ने 6 सीटें कर दी मलिर की 3 सीटें निकली है क्योंकि इन्होंने हल्का बंदी ऐसी कर ली बल्दिया इनका इनके पास जा रहा है कि माड़ी इनके पास जा रहा है डिफेंस भी इनके पास जा रहा है लेकिन ये उस 6 को 10 से 11-12 सीटों पर ले गए अब खेल इनमें रह गया हम तो खेलने अपनी 10 सीटों पर हमें उम्मीद है कि वो 10 की हमारी पूरी नहीं लगनी है अगर हम इस तरह से माहौल जिस तरह चल रहा है इस तरह मिला लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम जो वोट तोड़ेंगे ना ये पीपल्स पार्टी जो हमारा साथ दे रही है वो इसलिए दे रही है कि हम सिर्फ वोट तोड़ेंगे एमपीएम पाकिस्तान का हम उसके वोट को छेड़ सकते हैं ना पीपल्स पार्टी को छेड़ रहे हैं ना जमात को छेड़ रहे मोहन साहब के हजरात ये ऑडियो चलाइए लंदन के ग्रुप्स की जो उनकी आपस में इन्होंने गुफ्तगू की है
ये हमें भी मिली, ये आपस में नालायक गुफ्तगु कर रहे थे, हमारा तो खदशा यही है और यही रहा है और ये प्रूव हो रहा है कि इन्होंने पैसे लेके या इन्होंने एमकेएम पाकिस्तान की दुश्मनी में ये पीपल्स पार्टी के गैंग वॉर के लोगों को कराची पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं लंदन के साथ मिलकर। हम ये होने नहीं देंगे, हम वोट की ताकत से इन्हें रोकेंगे। वोटर हमारे साथ है, हमारी कैंपेन बता रही है। मैं सिर्फ 21 जनवरी के जलसे की बात नहीं कर रहा, हर हलके में हम अपने जलसे कर चुके हैं, हर हलके में हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों हमारी कॉर्नर मीटिंग है। कल हैदराबाद में हमने अजीमुशान जलसा किया, हैदराबाद में भी इनके एक रहनुमा कल बैठ के कह रहे थे सारी सीटें जीतेंगे। ओ भाई, हल्का बंदी से जो तुमने कर सकते थे कर लिया है, कल हैदराबाद के लोगों ने तुम्हें जवाब दे दिया निकल के पक्का कला में। यही सूरत हाल है कराची शहर की। हमें पता है कि हमारी नशिस्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इतने बड़े सुरमा हैं तो करें ना कुछ अपने मुखालफीन के साथ लियारी में या किमाड़ी में, जहां इन्हें पता है कि इन्हें आज एमकेएम पाकिस्तान अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की सियासत कर रही है। असला हमारे पास है नहीं और इनके लगाए हुए मुतासिब पुलिस के ऐसे चोर हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारेंगे, जिस तरीके से ये शाहिद भाई बैठे हैं, इनकी एफआईआर काटने के बावजूद अभी तक एफआईआर नहीं कटी है। लेकिन हमारा जिम्मेदार है वहां पे मेहताब भाई, उनके तीन भाइयों को गिरफ्तार करके ले गए। तुम में वो नालायक ऐसे चो हिम्मत होती, तुम आए हो कच्ची के इलाके से, वहां कर लेते ना तुम गिरफ्तार लोगों को। हैं तुम लोग तो अपना वो क्या कहलाते हैं पथारेदार किस्म के ऐसे चोज यहां पर तैनात कर दिए, हमारे कारकुनान के ऊपर एफआईआर लगा रहे हैं, उनके तीन तीन भाइयों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा, छुड़वाएंगे। ऐसे नहीं है, ये कोई अंधेर नगरी नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो असलाह लेके चल रहे हैं, जो कराची के शहरियों को खौफ का निशाना बना रहे हैं, एमकेएम के यूसी इंचार्ज फराज भाई को जिन्होंने शहीद किया, कल जिन्होंने गोलियां चलाई 11 जे में, इन लोगों को गिरफ्तार करें। ये कोई कुरान में नहीं आया है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है तो वो गोली नहीं चलवा सकता था, उसकी वीडियोस मौजूद हैं किस तरीके से वीको गाड़ियों में वहां पर आए नाजमाबाद में और क्या कुछ उन्होंने किया है। उनको गिरफ्तार करें, दुरुस्त एफआईआर काटें, जो लोग अमने आमा के दुश्मन है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जिसके ईमा पर हो रहा है, भले वो डॉक्टर आसिम हो, सईद गनी हो, वकार मेहदी हो, मसरूर हसन हो, जो भी हो, कोई आसमान से नहीं आए कि अगर इनकी ईमा के ऊपर यहां पर लाशें गिरेंगी तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे रहेंगे। इस सूरत हाल को रोका जाए, इलेक्शन चार्ज्ड एनवायरमेंट होता है। एमकेएम के कारकुनान के भी जज्बात है, एमकेएम के कारकुनान भी मुश्तैल है। हमने इस इश्तियाल के ऊपर पानी डालने की कोशिश की है, हमारी जानिब से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है। वरना ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं है या तुम्हारे कोई दो चार लोग कहीं नहीं गली में घूम रहे होते, लेकिन हमें ये नहीं करना, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला हमारे उम्मीदवारान को यहां पर कामयाब बनाएं। लेकिन जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, सूबाई वजारत दाखिला की, सूबाई वजीर आला साहब की। 5-6 दिन रह गए आप लोगों को निगरानों, 5-6 दिन रह गए। खुदारा आप अपनी इज्जत पे लगने वाले दाग को मिटा लीजिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि आप जनाब कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो तशद्दुद कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो लोग तशद्दुद का निशाना बने। हम अपने कारकुनान से अपील करते हैं इश्तियाल में नहीं आना है, इनके हर गोली का, इनकी हर गाली का, इनके हर जुल्म का जवाब हमने अपने वोट से देना है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हम अपने वोट के जरिए इनको बताएंगे कि अवाम का जूता क्या होता है, जो अवाम वोट के जरिए आपके चेहरे पे खासकर कराची और हैदराबाद शहर में मारेगी। बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच। इनको जरा यार एहतियात से ऊपर चले जाओ बेटा, इनको शाहिद भाई को ले जाओ, शाहिद भाई आप ऊपर आराम से जा देना।